ओके, बस मैं जस्ट उठी हूँ और फोन उठाया मैंने हाथ में, और बस मैंने कहा कि हाँ आप ये छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना, ये लिए हैं मैंने। ठीक है, तो ये छोटे वाले बैंगन में इसको कुछ नहीं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। इस तरह से दो पार्ट में इसे काट दूंगी। ठीक है, इसी तरह से मैं ये सारे बैंगन काट दूंगी। एक आपको खास बात बता रही हूँ, बैंगन जो है ना, जब भी आप ऐसे पानी में काटेंगे ना, तो आपके ये बैंगन काले नहीं पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही काटेंगे और किसी बर्तन में रखते जाएंगे, तो आपके बैंगन जो है ना ऊपर से काले पड़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बैंगन जब भी काटें, छोटा बड़ा जो भी बैंगन जब भी काटें, हमेशा पानी में काटें। ये देखें, ये मैं सारे बैंगन इसी तरह काट लूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फटाफट ना टमाटर काट लेती हूँ। मैं ना यार, पता है मेरे को, मैं चॉपिंग बोर्ड में काटती नहीं हूँ, मेरे को स्लैब में 10 बार पूछती रहूंगी, साफ करती रहूंगी स्लैब पे ही। मेरा सारा काम मैं स्लैब से कर लेती हूँ। मेरे को टमाटर, क्योंकि ये अचारी बैंगन है, तो इसको क्या करना है, मैं इसमें ना 2 टमाटर डालूंगी, जिससे थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना, तो अच्छा लगता है वो। सॉरी, आज मुझे सुबह से ही कोल्ड हो रहा है। सुबह से बहुत इतना कोल्ड हो रहा था मेरे को, मैंने मेडिसिन खाई, फीवर भी हो रहा था, तो मेरे से कुछ हुआ नहीं भी। तो आज मैं सुबह बिल्कुल भी हिम्मत तो ये नहीं हुई मेरी ब्लॉग बनाने की। अभी मैंने बस शाम को नहाया, नहाने के बाद मैंने फटाफट पूजा की और बस अब मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि दिन में ना मैंने बस दाल चावल बना दिए थे ऐसे ही। ये टमाटर हो गया। इसी तरह से मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे सुड़ 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 कर रही हूँ, मेरे को बहुत कोल्ड हो रहा है। पर अभी आप लोगों के सामने मेरे को छींक भी आई थी ना, तो नहीं, मेरे को बहुत जल्दी हो जाता है। ये ना सर्फ एक्सेल वगैरह में ऐसे निकलती है ना, मैं इसको धो के रख लेती हूँ। और इसमें ना मैं मिर्च काट के रख लेती, इस तरह से मिर्च काट लेती हूँ मैं। तो ये मेरी मिर्चें कट गई, क्योंकि मेरे को ना बड़ा एलर्जी वलर्जी हो जाती है। तो ये 2 हरी मिर्ची लूंगी मैं। आप लोग जितनी भी खाते हो, मैं बहुत, हमारे यहाँ बहुत लाइट खाती है, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो जिसको भी लेना होता है ऊपर से ले लेता है। तो ये हो गई चॉपिंग, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। फिर वही मेरी प्यारी सी कढ़ाई। आप लोग भी सोचे होंगे कि अब तो पायल आप बदल ही लो अपनी कढ़ाई, बट मेरी इस कढ़ाई को 18 इयर्स हो गए। और ये पता है बहुत निर्लेप की कढ़ाई है, पर ये देखो बिल्कुल इसका बीच का पार्ट सारा हट गया है और ये ऐसे हो गई है। लेकिन ये मुझे इतनी मतलब कंफर्टेबल रखती है ना, कि थोड़े लोगों के लिए सही है। इनफैक्ट मैं पूरी भी इसमें बनाती हूँ। आरुष आ गया अब खेल करके, तो मैं आरुष के लिए डोर खोलती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ ऑयल, ऑयल थोड़ा ज्यादा लूंगी, क्योंकि बनने वाली हमारी अचारी सब्जी। गैस मैंने कर दी है कम, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, इसके साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्च। यार चिमनी चलाऊंगी ना, तो आप लोगों को आवाज नहीं है।
पे मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल लूंगी फटाफट से वहाँ पे मेरे दोनों बच्चे शायद लड़ाई कर रहे हैं, मेरे को देख के आना पड़ेगा बीच में। हम मैच चला देंगे क्योंकि ध्यान रहे ये अचारी बैंगन है तो इसमें केला थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, उसी से इसमें स्वाद आएगा, बहुत ना स्मोकी सा स्वाद आएगा इसमें। ठीक है, अब ये मुझे हम ना इसे थोड़ा सा तेज ही आँच पे रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चला लूंगी। और मैं क्या करती हूँ, मैं सोच रही हूँ ऊपर आटा लगा दे। ओ, दो पीस यहाँ पड़े हैं। वहाँ शायद बच्चों की डांट कर रही है क्योंकि उनका ऑफिस चल रहा है और बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हो गया भी मेरी चाय भी, यार देखो ठंडी हो गई। तो बस ये मैं थोड़ा सा थोड़ी से थोड़ी देर पे चलाती रहूंगी। ठीक है, अब इसको चलाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। तो अब जब ये इसमें इस तरह से ये देखिए खोल के मैंने ऐसे ब्राउन हो गया पूरा, तो अब मैं इसमें ना प्याज डाल दूंगी। इस तरह से मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर और मैं इसमें डालूंगी रेड चिली और मैं इसमें डालूंगी इस तरह से गरम मसाला। ये तो मेरे हो गए मसाले। गैस कम कर लूंगी और इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसको चला लूंगी। यकीन मानिए गाइस, जो नहीं भी खाता होगा ना बैंगन वो भी खाना शुरू कर देगा, इतने ये टेस्टी बनते हैं अचारी बैंगन। अब ये जब मैंने इसको चला लिया है, ठीक है, तो अब मैं इसे पकने दूंगी। मेरा वो वाला सब चला गया। ये थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था। ये है मेरा इस कढ़ाई का। पता है पहले मेरे पास बहुत पहले, आज 17-18 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ मैं, 17-18 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि ये मेरे पास ना स्टील वाला फिल्टर था। तो जब मैंने उसे कबाड़ी वाले को दिया, जब वो बिल्कुल खराब हो गया था, तो मैंने उसका ढक्कन रख लिया था और ये ढक्कन सच में तब से ये ढक्कन इसी कढ़ाई के लिए ही हो गया है। ये बन गया इस तरह से।
तो ये देखिए ये बन गई तरह से आपकी अचारी बैंगन। इसमें आप ऊपर से आमचूर पाउडर और डाल लीजिए। मैंने अभी डाल दिया था, इतने में डोरबेल बज गई और कैमरा ऑफ था तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा हाथों से, ये देखिए मेरे हाथों पे भी लगा हुआ है, मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है बस। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया ऐड कर लीजिए, और मेरे पास आज ख़त्म हो गया है हरा धनिया तो मैं हरा धनिया नहीं डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर डालें तो और भी स्वाद आ जाता है हरे धनिए से तो सब्ज़ी में। तो ये बन गई मेरी सब्ज़ी। अब मैं थोड़ा सा तेज कर देती हूँ इस सब्ज़ी को, और ये हल्के से ये इसमें यहाँ पे अच्छे से भून गई। ये देखिए पूरी कढ़ाई छोड़ने लगी, कहीं तक आपको तेल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अब मैं ढक देती हूँ, गैस कर देती हूँ बंद। अब ये तो मैंने बना दी सब्ज़ी, अब मेरी दाल ऑलरेडी दिन मतलब बनी हुई रखी हुई है, तो ये दाल मेरे को नहीं बनानी, मैंने बना ली सब्ज़ी। और शायद दाल तो बच्चे ही खाएंगे, दोपहर में बनाई हुई थी तो बच्चे ही खाएंगे, अभी तो ये लोग तो खाएंगे नहीं, सब्ज़ी और रोटी ही खाएंगे। तो आज मेरे पास ओफो कितना सारा, ये देखो बर्तन पड़ा हुआ है, मेरे को कितना लग रहा है। और ये जो टमाटर आए थे ये मेरे सारे वो लाने में पूरा वो दब गए थे, तो ये मैंने अलग निकाल दिया। अब देखती हूँ मैं इनका क्या करूँगी, चटनी वटनी बना दूँगी बस। अब मैं आटा लगाने जा रही हूँ, आटा गूंद के मैं रोटियाँ बनाऊँगी, तो ये बन जाएगा मेरा डिनर, उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो बस अब बन गया मेरा खाना, रोटियाँ भी बन गई, सब कुछ बन गया मेरा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं फटाफट खाने खाने की तैयारी करूँगी। तो पहले तितली को खिला दूँ, क्योंकि तितली को खिलाना पड़ता है। और बस खाना वाना खा के ये हो गया आज का रूटीन। अब कल मिलते हैं एक नए जोश और नए उमंग के साथ, तब तक प्लीज़ आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों ही कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को तो बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा, आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैं जाने से पहले आप लोगों से कहती हूँ, दोस्ती कर लो यारो, दोस्ती तो बनती है ना, तो दोस्ती करो। और आज के लिए इतना, कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।